नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 29 सितंबर 2021, और यहां पे 30 सितंबर 2021 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए एक्सपायरी देख लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के मैक्सिमम शेयर की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पसंद आएगा, फीडबैक जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और ये भी बता दूं कि आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं मेटल इंडेक्स से। मेटल इंडेक्स, मैंने क्या बताया था मेटल इंडेक्स में कि भाई आपको मूवमेंट तो बनेगा, आफ्टर सम रिट्रेसमेंट आपको मूवमेंट बनेगा इसमें मेटल इंडेक्स में। अगर आपने मेरा आउटलुक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल इसके बारे में बता दिया था। और आप देखें मेटल शानदार, और कल भी मैंने मेटल के बारे में बताया था कि अगर मेटल 5600 यानी कि 5600 के ऊपर ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से 5700 तक जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे मूवमेंट बन सकता है। कल भी वापस इसी कंडीशन में अगर ये 5700 को ब्रेक करेगा तो ये 5800 तक अपने हाईएस्ट जोन पर जाएगा। तो इस कंडीशन में एपीएल अपोलो पे नजर बना के चलिए। एपीएल अपोलो पे आप इसको पोजिशनल भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी रह सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट होकर नीचे आया हुआ है, प्राइस कम भाव पे अवेलेबल है। 850 के ऊपर अगर निकलता है तो शॉर्ट टर्म में आपको 875 से 900 के टारगेट एपीएल अपोलो दिखा सकता है। कोल इंडिया बेहतरीन तेजी, बेहतरीन मूवमेंट और साथ ही मुनाफा वसूली भी। आज कोल इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से अपसाइड में गया, देखिए आज का हाई 197 रुपए का इसने हाई लगाया था बहुत ही शानदार तरीके से। और अगर जहां तक देखें तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग में भी स्टार्ट हुआ, 6.5% की तेजी इसमें, हालांकि एक समय तो 10% पे चला गया था। अभी ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है, कारण जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई है ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा ये साइडवेज में जा सकता है, एक दो दिन यहाँ पे आपको थका देगा, इसलिए थोड़ा नजर रखिए बना के इस पे। हिंडालको ये पोजिशन, ये आपको बढ़िया मूवमेंट देगा, और मैंने हिंडालको पे आपको बता के बना के भी दिया कि भाई हिंडालको पे आप नजर रखिए, हिंडालको आपको इस जोन के ऊपर निकलेगा तो आपको मूवमेंट करके देगा। और देखिए इस जोन के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है हिंडालको, 4975 इसके ऊपर निकलेगा, राउंड नंबर पकड़िए 500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, 500 को ऊपर सस्टेन करेगा, 510-520 के टारगेट आपको हिंडालको बना देगा। हिंद कॉपर, तो हिंद कॉपर क्या मैंने कहा कि इस पे भी आप नजर रख सकते हैं, हालांकि 107 के नीचे गिरने पर सेल करेंगे 100 के टारगेट मिलेगा आपको। लेकिन अगर इस जोन, ये हमारा साइड पे जोन है, ये कौन सा जोन है, इसको कहते हैं, इसको एक तरह का समझ लीजिए आप एक्युमुलेशन एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में होता है, एक्युमुलेशन नीचे होता है, तो ये एक्युमुलेशन एरिया। एक्युमुलेशन एरिया 115 से 16 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 120 के टारगेट हिंद कॉपर आपको दिखाएगा। हिंद जिंक ठीक है, 325 के ऊपर निकलने बाद आपको 330 से 35 के टारगेट हिंद जिंक भी आपको दिखा सकता है, तो नजर बना के चलेंगे हिंद जिंक पे। शानदार से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए हिंद जिंक आपको दिखा रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो इसने ब्रेकआउट दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए है ना 700 के ऊपर ये और भी पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखिएगा 705 के ऊपर भी, 700 से 705 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आपको तेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कल अगर ये ब्रेक करता है 685-686 ये सब लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 695 से 700 तक के लेवल कल ही आपको दिखा देगा। जिंदल स्टील देखिए शानदार तरीके से मूवमेंट देता हुआ, मेटल में आज बहुत ही तूफानी रफ्तार रहा, कल भी अगर जिंदल स्टील उसी जोन के ऊपर ट्रेड किया 87 से 88 के ऊपर तो आपको 395 तक के टारगेट आराम से दिखा सकता है, 392 से 395 तक का टारगेट जिंदल स्टील। मोइल मिश्र धातु निगम लिमिटेड, तो मैंने एरो लगा रहे हैं ना यहाँ से कि अब यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, जाने की कोशिश भी कर रहा है, पूरी कोशिश करता हुआ मोइल दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, और वो रेजिस्टेंस एरिया अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो फिर एक अच्छा लेवल 165 के ऊपर अगर निकलता तो 170 का टारगेट, और नीचे अगर ये 155 ब्रेक करता तो 150 का टारगेट। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ब्रेकआउट आ चुका है मिश्र धातु निगम लिमिटेड में, और शानदार मेटल सेक्टर में आपको तेजी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मिश्र धातु निगम लिमिटेड मुझे लगता है अब ऊपर के लेवल 200 तक के टारगेट के लिए वैलिड कर सकता है आपने, आपको पहला टारगेट 195, दूसरा टारगेट 200 का वैलिड होगा मिश्र धातु निगम लिमिटेड में। इसके अलावा एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी 147 से 48 के ऊपर निकलेगा तो 150 से 55 का टारगेट देगा। नेशनल एल्युमिनियम शानदार, इसमें कोई टेंशन नहीं, अभी फिलहाल मेटल में अभी आपको एक आध दिन और तेजी मिलेगी, फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अपने हाई जोन को ब्रेक करें पोजिशन ले लीजिए, 96 से 97 ऊपर निकलेगा 100 का टारगेट,
रत्नामणि मेटल, देखिए आज इसने बहुत खेल किया, वापस देखिए इसकी क्लोजिंग बहुत खतरनाक है, 2199 के आसपास में इसने क्लोजिंग किया, कल भी वही क्लोज किया था 2199, आज भी वही क्लोज किया, लेकिन लो जो लगाया 2142, एक समय तो इसने अपने आप को पूरा खत्म करने के कगार पर आ गया था, लेकिन वहां से बहुत जबरदस्त बाउंस किया, वापस ऊपर की साइड में भागा, 2220 के ऊपर निकलेगा तो 2250 से 2300 के टारगेट बनेंगे। सेल ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है सेल, और एक अच्छा पोजीशन दे बना के दे सकता है, अगर सेल कल फिर ब्रेक करता है 116-17 को, तो ऊपर के जोन 120 से 22 तक के जाने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट सस्टेनेबल होना चाहिए। वॉल्यूम हालांकि ठीक ठाक है, इसमें कोई खराबी नहीं दिख रहा है। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील ब्रेक करना चाहिए 1312-1313 को, देन ये 1330 तक के टारगेट दिखाएगा। बेलेस्टोन कॉर्प देखिए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, बेलेस्टोन को बेहतरीन तरीके से मूवमेंट बना के देने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है बेलेस्टोन कॉर्प में। अगर ये ऊपर अपने हाईएस्ट जो मैंने कल भी कहा था ना कि मेटल में मुझे सबसे अच्छा भी फिलहाल यही लग रहा है, बहुत ही आराम से चल रहा है, 130 के टारगेट के ऊपर निकलेगा तो 135 के टारगेट फिर आपको बेलेस्टोन कॉर्प दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे अपना व्यू, चलेंगे आईटी स्टॉक्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करेंगे। आईटी क्या बता रहा है, देखिए आईटी में थोड़ी कमजोरी रहेगी, ये जो है ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है, आप देखें 3 दिन से बड़ी गिरावट, उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें आपको इसी तरह के मूवमेंट मिलेंगे, मतलब साइडवेज से निगेटिव, यही अभी 2 जोन इसका बना हुआ है। अब ये कब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ये तब तक ऊपर की जब तक ये 36,350 36,400 का इसका इंडेक्स जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो थोड़ा साइडवेज निगेटिव माहौल में रह सकता है। कोफोर्ज की बात करें, अगर देखिए 5300 के ऊपर कोफोर्ज निकलता है तो आप 5400 का टारगेट और ज्यादा से ज्यादा 5500 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। SCLTech इस बॉक्स के अंदर में तो रहने देते हैं, इस बॉक्स के अंदर में जब इस बॉक्स के ऊपर या नीचे निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, जब तक नहीं निकलता है कोई ट्रेड नहीं। 1307 1308 1310 इसके ऊपर निकलेगा, 1320 से 1325 के टारगेट आपको SCLTech में दिखाएगा। नौकरी यानी इन्फोएज की बात करते हैं तो इन्फोएज ने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया और अभी इसके और भी नीचे आने के चांसेस बनते 6300 के आसपास, मैंने कल आपको बोला तो 6530 को ब्रेक करेगा आपको 6430 तक के टारगेट आपको आराम से मिलेगा, जो 6400 तक आ चुका है और भी नीचे मिल सकते हैं, 6330 तक गिरने के चांसेस के बनते हैं नौकरी यानी इन्फो एज की। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस ने टच किया है अपने इंपॉर्टेंट लेवल को अपसाइड में, देखिए अगर इन्फोसिस 1702 1703 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है 1705 तो 1720 तक के टारगेट इन्फोसिस आपको दिखा सकता है। LTI की बात करें तो LTI में अभी फिलहाल कुछ भी मूवमेंट नहीं करेंगे, इस पर सिर्फ वॉच करके चलेंगे। माइंट्री की बात करें, हाँ माइंट्री में एक देखेंगे 4350 के ऊपर निकलता है तो फिर पोजिशन बनेंगे 4400 के लिए, लेकिन अगर नीचे 4100 को ब्रेक करता है तो 4000 के लिए सेल करेंगे। एम्फासिस अपसाइड में जाने के लिए 3300 का एक रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेक करेगा 3350 से 3400 का टारगेट। टेक महिंद्रा में देखिए TCS में TCS अपने रेजिस्टेंस एरिया के हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हैं ये एरिया इसके ऊपर यानी कि 3800 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो पोजिशन बनेगा 3850 से 3900 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा एक अच्छा खासा लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है, टेक महिंद्रा 1410 को ब्रेक करेगा तो 1420 तक के लेवल बनेंगे, अगर नीचे गलती से भी ये इसने ब्रेक कर दिया 1390 को या 1385 को तो सेल करेंगे, 1370 1365 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा। विप्रो अपसाइड में जाने के लिए 655 के लेवल को ब्रेकआउट करना होगा, देन 665 से 670 का लेवल दिखाएगा विप्रो। एक और स्टॉक है दोस्तों बिरला सॉफ्ट, उसको देख लेते हैं और ये आ गया आपके सामने बिरला सॉफ्ट। तो बिरला सॉफ्ट अभी फिलहाल कुछ नहीं, 420 का वापस से वो लेवल आ गया, 420 के ऊपर जाएगा, 425 से 30 का इंटरडे टारगेट, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 408 को सेल करके 400 तक का टारगेट लिया जा सकता है। तो ये था निफ्टी के मेटल के बाद आईटी पे मेरा व्यू, चलेंगे अब फार्मा की तरफ। अब फार्मा में देखते हैं, सबसे पहले फार्मा इंडेक्स की बात करेंगे। इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पहुंच चुका है, यानी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है फार्मा। फार्मा में मैंने जैसे आउटलुक वाला वीडियो बनाया था, मैंने कहा था सम प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस एक मूवमेंट बनेगा फार्मा में, और वो बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो फार्मा पे एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से रेजिस्टेंस है, अगर इस एरिया को ऊपर निकलता है 14,550 से 60 को तो आपको अपसाइड 14,700 तक जा सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में आपको मूवमेंट बनेगा। एलकम की बात करें तो अपसाइड में 4000 को अगर ब्रेक करेगा तो आपको वापस से 4050 से 4100 के टारगेट बनेगा, 3890 के नीचे गिरता है तो सेल करिए, सॉरी 3 3900 के नीचे अगर ये गिरता है तो सेल करेंगे हम लोग,
कम से कम इस ट्रेंड लाइन के पास में वापस आने की कोशिश करेगा, जिसका टारगेट 3800 तक के आसपास बन सकता है, 3850 से 3800 का। और विंडो फार्मा देखिए ये मूवमेंट कर सकता है, और विंडो फार्मा 737 3839 ये सब लेवल ब्रेक करे तो अरविंदो फार्मा आपको 760 तक के टारगेट दिखा सकता है। विंडो फार्मा के बाद बात करें तो बायोकॉन, देखिए बायोकॉन बहुत ही सुंदर जगह पे खड़ा है। बायोकॉन 366-67 सब लेवल ब्रेक करे, इंटरडे में 375 के टारगेट देगा। कैडला हेल्थ केयर इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो ट्रेड नहीं बनेगा, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर यानी कि 570-71 के ऊपर निकलेगा तो आपको 585-600 तक का टारगेट बनेगा। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला ने 1000 के लेवल डन कर दिया, किया या नहीं किया बताइए। मैंने कहा था ना 980 के ऊपर निकलेगा तो डायरेक्ट 1000 के टारगेट देगा, 1005 का इसने हाई लगाया ना, तो सेम वही प्राइस पर आपको प्रॉफिट बुकिंग में आ गया। तो जो लेवल मैं आपको बना के देता हूँ क्या वो लेवल आपके लिए फायदेमंद होता है या नहीं होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फीडबैक। अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं मेरे रिकमेंडेशन से, अगर मुझे लिखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बढ़ेंगे डिवीज लाइफ की साइड में। डिवीज लाइफ अभी क्या कर सकता है, नीचे देखिए 4700 राउंड नंबर पकड़ ली, 4700 के नीचे आने पर कमजोर हो जाएगा, 4650 से 4600 का टारगेट देगा। ऊपर जब तक ये 4900 को ब्रेक नहीं करे कोई भी नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। डॉक्टर रेड्डी देखिए बहुत ही शानदार जगह पे डॉक्टर रेड्डी खड़ा है, 4935-4930 ये सब एरिया है जिसको ब्रेक करेगा तो 5000 का टारगेट देगा। लुपिन बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से अपसाइड में होल्ड किया, मैंने 3 स्टार में सेलेक्ट करके भी इसको दिया था। अब ये लुपिन 965 के ऊपर निकलने के बाद जो टारगेट देगा वो 980 से डायरेक्ट 1000 के टारगेट दिखाएगा। सन फार्मा बहुत ही बढ़िया, सन फार्मा ब्रेकआउट दे चुका है, होल्ड कर रहा है अपने आप को। अब ये ऊपर के लेवल वापस से ब्रेक करता है 820 को तो ये 840 से 850 के टारगेट आराम से आपको सन फार्मा भी दिखा सकता है। सन फार्मा के अलावा बढ़े टोरेंट फार्मा की तरफ, टोरेंट फार्मा में भी बड़े ब्रेकआउट मिल रहे हैं। 3200 के ऊपर टोरेंट फार्मा निकलेगा आपको 3300-3350 तक के टारगेट आराम से देखने को मिलेगा टोरेंट फार्मा में। इसके अलावा फार्मा में और भी स्टॉक्स हैं दोस्तों, जैसे कि ग्रेनुअल्स इंडिया। तो ग्रेनुअल्स इंडिया देखिए होल्ड कर रहा है अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से। ग्रेनुअल्स इंडिया में नजर रखिए 330 के ऊपर निकलेगा, 340 तक के आपको टारगेट दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा भी बिल्कुल पोजिशनली 520 के ऊपर जैसे ही ग्लेनमार्क फार्मा निकलता है एक अच्छा पोजिशन आपको ग्लेनमार्क फार्मा बना के दे सकता है। तो 520 के ऊपर निकले 540 से 550 तक के टारगेट बनेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा के बाद बात करें तो पीईएल की बात करते हैं, पिरामल का। तो पिरामल में बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा है, 2700 के ऊपर पिरामल निकलेगा तो 2800 तक के टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है ऊपर के साइड में। और अगर ये नीचे 2600 ब्रेक करता है तो 2500 के टारगेट आराम से पिरामल में भी मिल जाएंगे आपको। पिरामल के अलावा स्टार की बात करें तो स्टार भी एक अच्छे मूवमेंट में था, शायद ब्रेकआउट आ चुका हुआ है, ब्रेकआउट आने के कगार पे स्टार खड़ा हुआ है। 600 के ऊपर अगर स्ट्राइस फार्मा निकलता है तो नजर रखिएगा 620 तक के टारगेट, 640 तक के भी टारगेट स्ट्राइस फार्मा आपको दिखा सकता है। स्ट्राइस फार्मा के बाद वोकट फार्मा की स्टॉक है, तो वोकट फार्मा देखिए जबरदस्त, वोकट फार्मा में ब्रेकआउट आने के पूरे चांस बन रहे। वोकट फार्मा अगर ऊपर की साइड में 460 को कल ब्रेक करता है, आज का हाई है 456, क्लोजिंग है 445, लेकिन 457 से 58 ऊंचा 60 ये सारे जोन है इसके। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो ये सीधे डायरेक्ट जो भागेगा वो 480 से लेके 500 के टारगेट की तरफ भागेगा वोकट फार्मा। वोकट फार्मा के अलावा हम लोग एस्ट्राजेनिका की तरफ बढ़े और एस्ट्राजेनिका क्या बता रहा है और वो उसके पास आ गया। देखिए एस्ट्राजेनिका ब्रेकआउट आ चुका है, एस्ट्राजेनिका भी मैंने आपको कल भी बताया था, एस्ट्राजेनिका 3150 के ऊपर निकलेगा 3200 के टारगेट और 3250 का टारगेट देगा। तो ये 3200 वाला टारगेट तो इसने डन कर दिया है ना, आज का हाई भी अगर आप देखेंगे तो 3200 का एग्जैक्ट हाई लगा, वहीं से रिजेक्शन आ गया, वापस अब 3200 के ऊपर निकलेगा तब आपको 3250 के टारगेट देगा। अब बात करेंगे नोवार्टिस की तरफ में, तो नोवार्टिस में ब्रेकआउट मिलेंगे चांस है, 850 के ऊपर लेंगे 875 से 900 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल आईटी और फार्मा पे मेरा व्यू। अच्छा आईटी में बात करें तो मैं जस्ट डायल को भूल जाता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ जस्ट डायल। देखिए जस्ट डायल अभी भी कैसा जोन पे ट्रेड कर रहा है, एकदम कोई कैंडल ही नहीं बना रहा है, यानी ये 1000 के अभी आज का हाई 990, अगर ये 990-92-93 ये सब लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो आपको 1000 के टारगेट इंट्राडे में 1010 के टारगेट भी बना के दे सकता है। अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फिर से मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे
एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है, जहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल भी प्राप्त करते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल में बजाज फिनसर्व की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मैंने क्या बताया था, मेरे एक व्यूवर ने पूछा था कब बाय करना चाहिए, तो मैंने कहा था जब ये नीचे आ जाए 17,300 से 200 के आसपास तब बाय करिए। तो इसने आज का लो लगाया 17,300, तो बिल्कुल जिनको बाय करना है एक पोजिशन यहाँ पे रिस्क लेके बनाया जा सकता है। याद रखिए ये हो सकता है आपके लेने के बाद गिर जाएगा, लेकिन भरोसा रखना होगा, अगर गिरता है तो नीचे के साइड में आपको एड कर लेना है 200 के आसपास में, देन आपको 17,500 के टारगेट, अप साइड में जाके 17,600-700 ये सब भी टारगेट आपको मिल सकता है। बजाज फाइनेंस अगर 7,690 या आप 7,700 राउंड फिगर में पकड़ लीजिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 7,800 का टारगेट देगा। चोला फाइनेंस देखिए बराबर का कैंडल बना लिया, तो अप साइड में अगर ये 580 को ब्रेक करता है तो ये वापस 590 से 600 के टारगेट देगा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस रिस्की ट्रेडर वालों के लिए है, इंट्राडे में जिसको ट्रेड करना है करिए, लेकिन डिलीवरी लेके सिर्फ रिस्की ट्रेडर वाले लोग ही जाएंगे, तभी सेफ ट्रेडर इसे अवॉइड करेंगे, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। 240 के ऊपर निकले में 245 से 50 के टारगेट देंगे। LNTFH की बात करें तो बहुत ही शानदार आगे LNTFH 90 के ऊपर 91 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, 93 से लेकर 95 तक के टारगेट देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस इस लेवल को 445 के एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 450, 55 और 60 के टारगेट देगा। M&M फाइनेंस देखिए आ गया है 190 वाला टारगेट की तरफ, अब 190 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 200 का टारगेट देगा M&M फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस देखिए ये बाय ऑन डीप करना है, शॉर्ट टर्म कॉल नहीं, इंट्राडे कॉल नहीं, कोई भी कॉल नहीं, सिर्फ पोर्टफोलियो स्टॉक, अगर ये अपसाइड में ब्रेक कर दे 177 से 78 को, देन ये आपको 185 से लेकिन 90 तक का टारगेट देगा, और ये अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर बाय ऑन डीप कर सकते हैं। मुथूट कैप 410, 415, 420 इसके ऊपर निकलेगा, 440 से 50 के टारगेट। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो अपसाइड में जाने के लिए 1520 का एक रेजिस्टेंस एरिया, वो ब्रेक करेगा तो 1550 का टारगेट देगा, और SR ट्रांसमिन फिलहाल अभी रेजिस्टेंस जोन पर है, 1340 से 45 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1400 तक के टारगेट भी बन सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।